कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया दिल की धड़कनों ने आज ये हमको बताया कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया हेलो फ्रेंड्स दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वी आर पी तो आइए आज हम पार्ट सिक्स लेकर आए हैं आपको रेनबो इंग्लिश बुक हंड्रेड मार्क्स जो क्लास ट्वेल्थ का है ऑब्जेक्टिव इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति इससे पहले पांच वीडियो पहले अपलोड हो चुका है तो आप उसे देख लेंगे तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्कीस नंबर क्वेश्चन से माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग फिर से देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ सत्य के साथ माई एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग सत्य मेरा प्रयोग वॉज रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा फिर से सुन लिया जाए माई एक्सपेरिमेंट साथ सत्य प्रयोग वॉज रिटेन बाय लिखा गया है किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा बाईस नंबर है ट्वेंटी टू द पीपल ऑफ यूरोप लर्न लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ यानी यूरोप के लोग लर्न देअ लेसन पाठ को सीखे यानी सबक को सीखे किसके द्वारा फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ किसके तो कहता है कि मनुष्य या व्यक्ति जो लिखे थे कहाँ के यूरोप फिर से सुनी इस लाइन को बड़ी अच्छा से द पीपल ऑफ यूरोप यूरोप के लोग लर्न देर अपना सबक सीखे फ्रॉम द कहा से राइटिंग्स ऑफ द मैन मनुष्य के या व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किसके द्वारा मनुष्य के द्वारा कहां से तो ग्रीस और रोम यानी ग्रीस और रोम के व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए नहीं कौन चीज जो लिखे उन्होंने उससे लर्न देअर लेसन सबक को सीखे कहाँ के लोग द पीपुल ऑफ यूरोप यूरोप के लोग अगला क्वेश्चन द माइंड इज अटलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वो हमारा माइंड है जो हमारा दिमाग है जो हमारा मस्तिष्क है इज अ रेस्टलेस बेचैन है डैश द मोर इट गेट्स जितना ज्यादा पाता है द मोर इट वॉन्ट्स उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा रखता है द मोर इट गेट्स जितना ज्यादा पाता है द मोर इट ज़्यादा इच्छा रखता है कौन है बर्ड तो हमारा माइंड किसकी तरह है बर्ड की तरह एक बेचैन पक्षी है चौबीस है ट्वेंटी फोर आई एम नो हेटर ऑफ दी मैं हेटर नहीं हूं हेटर मतलब क्या मैं नफरत कर नहीं करता हूं कहां से वेस्ट पश्चिम से वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एटिक सभ्यता जो है कहां पे है ग्रीस में है गांधी डोमिनेटेड गांधी ने डोमिनेटेड यानी क्या कर दिया समर्पित कर दिया डोमिनेट कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति में ड्यूरिंग कब से कब तक 1915 से लेकर उन्नीस 48 1915 टू 1948 गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति में गांधी ने अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दिया त्याग कर दिया समर्पित कर दिया कब से कब तक 1915 टू 1948 प्लेन लिविंग सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार इज द मोटो ऑफ किसकी मोटो है उद्देश्य है लक्ष्य है वेस्टर्न पश्चिमी दार्शनिक का द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग आज भी माने 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 आज even भी चमक रही है आज भी चमक रही है। The value of मुल, किसका मूल्य इंडियन सिविलाइजेशन का भारतीय सभ्यता की जो मूल्य है जो उसकी संस्कृति है जो उसकी सभ्यता है जो उसका रहन सहन है आज भी चमक रही है क्यों चमक रही है क्योंकि इमोवेबल है वह बदलने वाला नहीं है फाइड विद स्मॉल कौन संतुष्ट थे विलेज अपने छोटे गांवों के साथ आवर द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूवड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट हमारे विकास में डेवलपमेंट विकास इनमें माइल मील का पत्थर साबित हुआ है द इन्वेंशन ऑफ किसका आविष्कार फायर आग का जब आग का आविष्कार हुआ तो पूरी तरह से हमारी जिंदगी क्या हो गई बदल गई लोग अब जानवरों से डरते नहीं थे जानवरों को डराने के लिए अपने दरवाजे के आगे आग जला के रखते थे और जानवरों को शिकार करने के बाद उसे जलाते थे और तब उसे पका कर खाते थे कच्चा नहीं खाते थे और रात में भी लोग आग को जला के रोशनी प्राप्त करते थे तो जिंदगी को बदल दिया एक बार फिर से ऊपर से देखा जाए ध्यान से देखिएगा आप लोग एक एक करके सीखिए मेरा लक्ष्य है आपको अंग्रेजी सिखाना और मैं आपको सिखा के रहूंगा इसलिए आपका काम है केवल वीडियो को देखना और इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी हम पे थोप दीजिए मैं आपको सिखा के रहूंगा तो आइए देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग रिटर्न बाय लिखा गया किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा द पीपल ऑफ यूरोप यूरोप के लोग लर्न देर लेसन सबक सीखे फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम ग्रीस और रोम के द्वारा लिखे गए नहीं से ही सीखे सबक द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स जो हमारा माइंड है एक बेचैन है किसकी तरह मोर इट गेट्स जितना ही पाता है उतना ही पाने की इच्छा रखता है तो बर्ड की तरह पक्षी की तरह बेचैन है आई एम नो हेटर ऑफ द मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं घृणा नहीं करता मैं हेटर नहीं हूं किसका वेस्ट का मैंने नफरत करने वाला नहीं हूं द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जो सभ्यता है एटिक सिविलाइजेशन वो कहां पे है ग्रीश गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग गांधी ने भारतीय शब्द राजनीति में क्या कर दिया डोमिनेटेड अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिए कब से कब तक 1915 से 1948 प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए सादा जीवन उच्च विचार मोटो लक्ष्य है उद्देश्य है वेस्टर्न फिलोसफर का पश्चिमी दार्शनिक का द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवेंट टूडे किसकी कीमत आज भी ग्लिटरिंग चमक रही है इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता की डैश वर सैटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस कौन अपने छोटे गांवों से सैटिस्फाइड है संतुष्ट है आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों द इन्वेंशन ऑफ किसकी द एक देखिएगा 29 नंबर 29 डैश वर सैटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस कौन अपने छोटे गांवों के साथ संतुष्ट है आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज

पार्ट सिक्स हुआ अगले पार्ट सेवन में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग जय हिंद जय भारत